दोस्तों, YouTube चैनल को मोनेटाइज करते समय एक डाउट सबके सामने आता है कि जो Google AdSense अकाउंट हम बनाएंगे वो किस जीमेल से बनाना चाहिए। YouTube चैनल के जीमेल से, या पहले से कोई बना हुआ जीमेल से, या किसी नए जीमेल से। तो दोस्तों, अगर आप भी Google AdSense अकाउंट बनाने को लेकर कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी दूंगा कि Google AdSense अकाउंट आपको किस जीमेल से बनाएंगे ताकि आपका Google AdSense अकाउंट में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका चैनल डीमोनेटाइज ना हो। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए और बहुत ही ध्यान समझिए। दोस्तों, जब हम अपने चैनल को मोनेटाइज करने जाते हैं, स्टेप टू में दोस्तों वहाँ पर गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। तो वहाँ पर जो भी नए क्रिएटर रहते हैं उनके दिमाग में एक डाउट आता है कि जो गूगल एडसेंस अकाउंट है उसे हम किस जीमेल अकाउंट से बनाएं। देखिए दोस्तों, यूट्यूब का जो कहना है कि आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को चैनल के ही जीमेल से बना लें ताकि जो है आप एक ही जीमेल से दोनों को मैनेज कर सके, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपको गूगल ये भी फीचर प्रोवाइड करता है कि अगर आप चाहते हैं कि जो चैनल का जीमेल है उसके साथ आपका गूगल एडसेंस अकाउंट ना रहे, गूगल एडसेंस अकाउंट आपका किसी दूसरे जीमेल से रहे और उसको आप अपने चैनल के साथ लिंक करें तो भी आप कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों, YouTube चैनल आपका किसी और जीमेल से चलेगा, Google AdSense अकाउंट किसी और जीमेल से चलेगा, और जब आप स्टेप टू में दोनों को लिंक करेंगे तो बहुत ही आसानी से लिंक हो जाएगा। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि जब लोग अपने फ़ोन में पहले से जो मौजूद जीमेल है उससे Google AdSense अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं तो मोनेटाइजेशन में स्टेप टू में एरर आ जाता है और उसको लेकर काफ़ी लोग परेशान होते हैं, या वहां पर कोई और दूसरा जीमेल भी पहले से बना हुआ डालते हैं तो भी स्टेप टू में एरर आ जाता है, क्योंकि वो पहले से ही हमारे नेम को वहां पर डिटेक्ट करके रखता है और उसी नेम से Google AdSense अकाउंट अप्लाई करने पर एरर शो करता है। इसलिए दोस्तों, अक्सर जो क्रिएटर हैं वो गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते समय वहाँ पर एक नया जीमेल अकाउंट क्रिएट कर उस जीमेल अकाउंट से गूगल एडसेंस अकाउंट चैनल के साथ लिंक करते हैं, और ऐसे में उनका जो यूट्यूब चैनल का जीमेल है और जो गूगल एडसेंस का जीमेल है वो दोनों अलग हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों, कुछ सेफ्टी फीचर की वजह से भी लोग करते हैं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि अगर एक ही जीमेल अकाउंट से आपका यूट्यूब चैनल भी है और गूगल एडसेंस अकाउंट है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही जीमेल अकाउंट को मैनेज करना होगा और एक ही जीमेल अकाउंट से दोनों को ओपन कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है YouTube पर। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए कि अगर जो आपका जीमेल अकाउंट एक ही है, अगर उस पर कोई प्रॉब्लम आती है या किसी ने आपका जीमेल अकाउंट चुरा लिया, हैक कर लिया, या आपका फ़ोन खो जाता है, तो उसमें अगर आपने अपना जीमेल जो चैनल का है और जो एडसेंस का एक ही है वो अगर लॉगिन करके रखा होगा तो ऐसे में आपका दोनों जो है प्रॉब्लम में जा सकता है, यूट्यूब और गूगल एडसेंस अकाउंट भी। और हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि आपका एक ही जीमेल अकाउंट है, कभी हैक हो गया तो भी आपको दोनों चीज़ों से हाथ धोना पड़ सकता है। अब इसीलिए दोस्तों, अक्सर लोग रिकमेंड करते हैं कि YouTube चैनल के लिए अलग जीमेल अकाउंट रखिए और Google AdSense के लिए अलग जीमेल अकाउंट रखिए ताकि दोनों सेपरेट रहेंगे, मतलब कि अलग अलग रहेंगे तो उससे जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, मतलब कि किसी एक पर प्रॉब्लम आएगी तो एक सेफ रहेगा। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि जब दोनों अलग अलग जीमेल्स रहेंगे तो ये आपस में लिंक कैसे होंगे। तो देखिए, जब मोनेटाइजेशन स्टेप टू में आप गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर जिस भी जीमेल अकाउंट से गूगल एडसेंस अकाउंट आप अप्लाई करेंगे वो वहाँ पर अप्लाई होते ही वो आपके चैनल के साथ जुड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एक ही जीमेल अकाउंट से दोनों है आपका गूगल एडसेंस और जो यूट्यूब चैनल है तो आपको एक ही जीमेल अकाउंट से दोनों ओपन करने में आसानी होगी और बहुत ही आसानी से आप ओपन भी कर पाएंगे। और अगर यहाँ पर अलग अलग जीमेल अकाउंट से यूट्यूब चैनल और एडसेंस, तो वहाँ पर दोस्तों आपको एडसेंस के लिए एडसेंस वाले जीमेल का इस्तेमाल करना है और यूट्यूब के लिए यूट्यूब वाले जीमेल का इस्तेमाल करना है, तो आप जो है इन दोनों का यूज कर पाएंगे अलग अलग जीमेल से। अब यहाँ पर मेरा ओपिनियन क्या है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, मैंने जितनी भी वीडियो एडसेंस रिलेटेड बनाया है हर वीडियो मैंने यही बताया है कि गूगल एडसेंस अकाउंट हमेशा अलग जीमेल अकाउंट से ही बनाएं ताकि दोनों सेफ रहें और अच्छे से आप दोनों को मैनेज कर सकें।
बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यह होगी कि दोनों जीमेल को आपको मैनेज करना होगा, दोनों जीमेल के लिए आपको जो है अलग अलग पासवर्ड या सेम पासवर्ड भी रख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि अब आपका डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वैसे तो आपको जो है किसी भी जीमेल से यूट्यूब चैनल एडसेंस अकाउंट बनाए उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, सेफ्टी पर्पज़ से बस जो है थोड़ा सा दोनों को अलग अलग रखने से थोड़ी सी चीज़ें जो है सिक्योर हो जाती हैं, इसीलिए जो है अलग अलग जीमेल से ही रखना बेटर होता है। या आप एक ही से रखना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, और जो भी पहले से कर रखे हैं एक ही जीमेल अकाउंट से दोनों एडसेंस भी यूट्यूब भी, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि इस वीडियो के बाद जाकर चेंज करने लगें, छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने केवल न्यू मोनेटाइज चैनल के लिए बताया, जो नया मोनेटाइज करने वाले हैं उनके लिए ये एडवाइस थी। ये नहीं कि जो ओल्ड जो चैनल मोनेटाइज है उनके गूगल एडसेंस अकाउंट में जाकर आपको छेड़छाड़ करना है, उसके बाद मुझे ब्लेम करेंगे कि आपकी वजह से मेरा जो है चैनल डीमोनेटाइज हो गया या स्टेप टू मिरर आ गया। तो ऐसा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, दोनों चीज़ें सही हैं। सिक्योरिटी जो है आपको अपने से मैनेज करनी है, जिस भी जीमेल अकाउंट से आप अपने यूट्यूब चैनल या गूगल एडसेंस को मैनेज कर रहे हैं उस जीमेल अकाउंट को सिक्योर करके रखें, आपका जो है दोनों सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, लंबे समय के लिए आप अर्निंग कर पाएंगे यूट्यूब से। तो दोस्तों अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि एक एक बंदे को समझ में आ जाए, लेकिन आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट नहीं देते। और हाँ, टेक्नो गुरुदेव को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई, बहुत सारे व्यूज बढ़ाने वाली वीडियो देखकर उनको सब्सक्राइब कर लेते हो, तो यार टेक्नो गुरुदेव को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके यूट्यूब चैनल और गूगल एडसेंस के हेल्प और सपोर्ट के लिए, सेफ्टी के लिए हमेशा वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन क्लिक करो और वहाँ पर बेल बटन को क्लिक करके आल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।